The local administration in UP's Ghaziabad had directed all the petrol pumps in the district not to give petrol to bikers if they have no helmet with them. The district magistrate of Ghaziabad, Vimal Kumar, said that the decision had been taken in a bid to stave off accident rate. यातायात सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए इस तरीके के आदेश प्रसारित किए गए हैं कि जनपद में कहीं भी कोई भी पेट्रोल पंप धारक अगर कोई व्यक्ति कोई भी स्कूटर वाला या मोटरसाइकिल वाला दुपहिया चालक जो है पेट्रोल लेने जाता है और उसके पास हेलमेट नहीं है तो सिर्फ एक सख्ती इस वजह से की गई है कि रोड सुरक्षा में ये नए लड़के या वैसे भी लोग चले जाते हैं कि साहब हमें पेट्रोल दिया और घर में बगैर बताए निकल गए तो कुछ डिटरेंट इसका रहेगा तो इसको दृष्टिगत रखते हुए ये आदेश दे दिए गए हैं पेट्रोल पंप वालों को कि इन लोगों को जिनके पास हेलमेट नहीं है उन्हें पेट्रोल ना दिया जाए। सर ये आदेश कब से लागू होगा? ये आदेश ऑलरेडी लागू है, ये हमने इम्पोज कर दिया यहाँ पर जिले में। However, petrol pumps owner have demanded administration to deploy security forces at the fuel station for better implementation of the order. जैसे जो डीएम साहब के ऑर्डर आए हैं कि बगैर हेलमेट के आप सीट बेल्ट के उसको तेल नहीं दिया भाई, हम तो हमारे सम्मानित ग्राहक हैं, हम तो उनको कहेंगे कि भाई हम आपकी सुरक्षा के लिए ही कह रहे हैं कि आप सीट बेल्ट लगाओ या हेलमेट लगाओ, और उसके बावजूद भी हम उनको तेल को देने को मना करते हैं तो हमारे पास कोई अथॉरिटी थोड़ी है अगर फिर वो हम चलाए झगड़ा करेंगे तो। इसमें तो या तो है प्रशासन को पेट्रोल पंपों पर फोर्स प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि वो प्रोवाइड या वो उनको चालान काट रहे हैं या उनको फोर्स करेंगे नहीं आप हेलमेट लगा के आओ तो अभी आपको तेल मिलेगा, या हमारे पेट्रोल पंपों के आसपास पुलिस कॉन्स्टेबल या अथॉरिटी खड़ी कर दें जिससे कि वो उनके जो कस्टमर हेलमेट लगा के नहीं आया सीट बेल्ट लगा नहीं आया उनको चालान काट रहे हैं। हमने भी यहाँ पर नोटिस बोर्ड पर देख लिया है और ये हर बंदे को तेल दे रहे हैं और हर बंदे को बता रहे हैं क्योंकि कल से तेल नहीं मिलेगा, आज की छुट्टी दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और डीएम के आदेश ये जन लोगों की सुरक्षा के लिए बहुत अच्छे आदेश हैं। पावर्ड बाय NNIS।